हेलो दोस्तों, आज मैं आपको SMPS के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जो भी इक्विपमेंट हैं उसमें हर जगह SMPS अप्लाई का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो LED TV हो, DTH और कंप्यूटर्स, कोई भी सप्लाई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट हो उसमें SMPS प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, SMPS का बेसिकली सभी का फंडा एक सा ही होता है। दोस्तों, SMPS में दोस्तों एक तो हमारा ये AC सेट, सबसे पहले हम AC दी जाती है, AC को हम DC में चेंज करते हैं और उस DC को या तो IC के द्वारा या फिर MOSFET के द्वारा उसको स्विचिंग कराया जाता है, और उस स्विचिंग कराने का मतलब उसको AC फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और सेकेंडरी साइड में हमें बाइंडिंग के अनुसार हमें AC प्राप्त होती है, उसको हम डायोड के थ्रू DC में कन्वर्ट करके और ये फिल्टर लगा देते हैं, कैपेसिटर के थ्रू हमें DC मिल जाती है। तो दोस्तों, सभी का फंडा एक ही है। तो आज मैं आपको, ये मेरे पास DTH सप्लाई है दोस्तों, तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा ये किस तरह वर्क करती है। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा AC कनेक्टर है, यहाँ पर हम AC सप्लाई देते हैं। जब हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो हमें इन दो पॉइंट पे सप्लाई आती है हमारी AC, यहाँ पर फेस आता है और यहाँ न्यूट्रल। तो दोस्तों, फेस के सीरीज में हमने एक यहाँ पे ये फ्यूज लगा दिया है, तो ये फ्यूज के थ्रू हमें AC मिलती है इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये न्यूट्रल यहाँ पे आ जाता है, और इस फेस और न्यूट्रल के बीच में एक कैपेसिटर लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पर जब हमारी AC मिल जाती है तो इसके बीच में एक लाइन फिल्टर लगा होता है दोस्तों, ये वाला लाइन फिल्टर। इस लाइन फिल्टर के थ्रू AC यहाँ पर पहुँच जाती है इन दो पॉइंटों पे, और ये दो पॉइंट ये ब्रिज के AC वाले पॉइंट हैं। ये यहाँ पर दोस्तों ये डायोड द्वारा ब्रिज बनाया जाता है, ये चार डायोड दिए हुए हैं, ये डायोड का ब्रिज है। तो यहाँ पे AC कन्वर्ट होके यहाँ पे हमें DC मिलती है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। यहाँ पर हमें एक AC कैपेसिटर लगा हुआ है 47 माइक्रोफेरड और 450 वोल्ट का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमें DC प्राप्त होती है। यहाँ दोस्तों जो AC होगी हमारी, उसका डेड होना यहाँ पर हमें मिलेगी 1.414 फॉर्मूला होता है DC to AC, जब हम DC चेंज करते हैं तो ब्रिज में हमें लगभग 1.5 गुना DC प्राप्त होती है। तो यहाँ 230 वोल्ट है, तो यहाँ लगभग 300 के करीब हमें DC वोल्टेज मिलेंगे, और उस DC वोल्ट को हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग में हम दे देते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग में दोस्तों बेसिकली चार कॉन्टैक्ट होते हैं, तो पहले में पॉजिटिव और दूसरा वाला दोस्तों ये गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये DC सप्लाई पहुँच चुकी है। अब इसको स्विचिंग कराने के लिए ये दो पॉइंट हैं, ये जब DC को स्विच कराएंगे तो ये AC फॉर्म में हो जाएगी। तो इसको स्विचिंग कराने के लिए हम इस वाली IC को प्रयोग करते हैं। इस IC का नंबर है Viper 22A, ठीक है दोस्तों। तो ये IC इसको स्विच कराती है, तो जहाँ ये DC स्विचिंग के रूप में स्विच होती है तो यहाँ AC के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे ये बाइंडिंग है, ये आउटपुट बाइंडिंग है जो इसे बोल्ट की, यहाँ पे हमें जिस बोल्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे 5 वोल्ट, 24, 12, 3.3 और ग्राउंड का, तो उसके अनुसार इस ट्रांसफार्मर की डिजाइन किया जाता है। जितने वोल्टेज की हमें आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से इसको कंपनी डिजाइन करती है। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये जो वोल्टेज प्राप्त होते हैं वो AC फॉर्म में होते हैं, और उस AC फॉर्म के वोल्टेज को ये डायोड के द्वारा DC में कन्वर्ट किया जाता है। DC जब कन्वर्ट होती है तो ये फिल्टर के रूप में कैपेसिटर लगा देते हैं DC को फिल्टर करने के लिए, और यहाँ इस पॉइंट पे हमें प्योर DC प्राप्त हो जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सभी SMPS का बेसिकली यही फंडा होता है, कुछ नहीं है दोस्तों।
यहाँ आई ये आईसी है, इससे स्विचिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये भी मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट जो है इसके अंदर इनबिल्ट है, ये मॉस्फेट स्विचिंग करने के लिए इसके अंदर बना हुआ है। उसी के अंदर ड्राइवर है जो स्विच करता है, जो डीसी को एसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और एसी को फिर हम डीसी लेके और अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पर हमें डीसी प्राप्त हो जाती है। और दोस्तों अब इसमें बचता है ये सर्किट, ये दोस्तों फीडबैक सर्किट है। फीडबैक जो हमारी सेकेंडरी में जो वोल्टेज बनी है उसका हम फीडबैक प्राइमरी सेक्शन में देते हैं। तो उसके फीडबैक के लिए दोस्तों ये वाला सेक्शन बनाया गया है। ये दोस्तों एक तरह से जीनर है, वेरिएबल जीनर, इसको ट्रांजिस्टर फॉर्म में बनाया गया है। तो और इसके थ्रू हमें इस ऑप्टोकपलर पे सप्लाई मिलती है, जो आउटपुट में हमारी सप्लाई मिलती है इसके थ्रू के इस ऑप्टोकपलर पे आती है, और ऑप्टोकपलर इस सप्लाई को यहाँ इस आईसी पे सेंस कराता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो सही बन रहा है। तो इस तरह दोस्तों ये सप्लाई वर्क कर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक के लिए, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।